हेलो दोस्तों, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डीपीसी के बारे में। इसके क्या फ़ायदे होते हैं और डीपीसी को देना क्यों ज़रूरी होता है, और डीपीसी नहीं देंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। डीपीसी अगर देनी है तो कितनी हाइट पर देनी चाहिए, डीपीसी की थिकनेस यानी कि मोटाई क्या रखनी चाहिए, या डीपीसी के ऊपर वाटरप्रूफिंग के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, पॉलीथीन सीट यूज़ करें या केमिकल यूज़ करें या फिर बिटुमिन यूज़ करें। तो दोस्तों, चाहे आप होम ओनर हैं या फिर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आज की यह वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यह समझते हैं कि डीपीसी होती क्या है और यह देनी क्यों ज़रूरी होती है। जैसे कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं, डीपीसी मींस डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी कि डैम्पनेस और मॉइस्चराइज से बचने वाला कोर्स। कुछ राजमिस्त्री इसे छोटा बीम भी बोलते हैं, पर इंजीनियरिंग भाषा में हम इसे डीपीसी कहते हैं। जैसे कि आप यह देखिए, ग्राउंड लेवल पर बीम दिख रहा है, ये प्लिंथ बीम है और ग्राउंड लेवल से या कहिए प्लिंथ बीम से 1.5 से 2 फीट ऊपर डीपीसी दिखाई दे रही है। यह हमेशा दीवारों के नीचे दी जाती है ताकि नीचे से ग्राउंड लेवल की डैम्पनेस ऊपर दीवारों पर न आए। यह जनरली बेसमेंट या ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है दीवारों पर मॉइस्चराइजर को आने से रोकने के लिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर नीचे सोयल से ऊपर की ओर मूव करता है कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। तो दोस्तों, अब आप यह तो समझ गए होंगे कि डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है। तो अब डीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने घर में डीपीसी प्रोवाइड करते हुए। तो सबसे पहली बात है डीपीसी हाइट। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके डीपीसी की हाइट ग्राउंड लेवल से मिनिमम 6 इंच रखनी ही रखनी है, इससे कम हाइट कभी न रखें। अब सेकेंड है थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी की स्टैंडर्ड थिकनेस 2 इंच यानी कि 50 mm तक ही रखी जाती है। थर्ड है दोस्तों, डीपीसी कंक्रीट मिक्स रेशो, मतलब डीपीसी की कंक्रीट बनाने के लिए कौन सा मिक्स रेशो यूज़ करना है। तो आपको डीपीसी की कंक्रीट बनाने के लिए मिनिमम M15 ग्रेड का मिक्स रेशो यूज़ करना है, यानी कि 1:2:4, जिसमें आप 1 part सीमेंट, 2 part सैंड और 4 part एग्रीगेट के रखेंगे। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट कभी भी डीपीसी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, डीपीसी एग्रीगेट। आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि डीपीसी के लिए एग्रीगेट कभी भी 20 mm की यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डीपीसी की थिकनेस 2 इंच होती है तो इससे डीपीसी की फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती। इसलिए आप डीपीसी में 10 से 12 mm के एग्रीगेट ही यूज़ करें ताकि डीपीसी में अच्छी फिनिशिंग आ सके। नंबर 5, वाटरप्रूफिंग। डीपीसी डालने के बाद इस पर वाटरप्रूफिंग की कोटिंग की जाती है ताकि नीचे का पानी कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ऊपर न आए, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं अक्सर घरों में इस तरह की सीलन जरूर देखी जाती है। आपके जो महंगे महंगे पेंट या प्लास्टर को नुकसान पहुँचाता है और इससे आपका पैसा बर्बाद होता है, इसलिए डीपीसी के ऊपर वाटरप्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, या तो आप डीपीसी कंक्रीट में ही कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल को मिक्स कर सकते हैं, और दूसरा, डीपीसी डालने के 24 घंटे बाद आप इसके ऊपर बिटुमिन की कोटिंग कर सकते हैं। बिटुमिन कोटिंग करना सस्ता भी पड़ता है। आपको इसके 2 कोट करने होते हैं, पहला कोट करने के 2 से 3 घंटे बाद ही दूसरा कोट करना चाहिए। इसके बाद ही आपको डीपीसी के ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट करना चाहिए। आप केमिकल मिलाए या बिटुमिन की कोटिंग करें, ये दोनों तरीके आप अपने बजट के हिसाब से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर डीपीसी की जगह पर पॉलीथीन लगाने के लिए बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीलन रुकेगी या नहीं यह तो मैं नहीं बोल सकता, बट आपकी दीवारों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप कभी भी पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल न करें, क्योंकि घर जिंदगी में 1 या 2 बार ही बनता है,
इसलिए आप थोड़ा समझदारी से अपने घर का निर्माण कराएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।